नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज की इस वीडियो में सिंगल कॉलम कैशबुक का GST के साथ, यानी कि ये आज जो एंट्रीज होंगी उसमें GST इंक्लूड होगी, किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसको इस वीडियो में हमने सॉल्व करना है। तो 2018 फरवरी 1 कहता है बैलेंस इन सोप, हमारे पास सोप में बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रोक डाउन 40,000। उसके बाद 5 तारीख को बोथ गुड्स CGST 6% SGST 6% फ्रेश 1 5 तारीख को क्या हुआ, गुड्स परचेज की, यानी कि बाय परचेजेस कितने की है 30,000 की, और साथ में GST पे किया, ठीक है, परचेजेस के साथ इनपुट GST आता है, तो बाय इनपुट से GST 6% कहा 30,000 का 6% 1,800 बाय इनपुट SGST 1,800। 7 तारीख को गुड सेल की, 7 को क्या किया है गुड सेल की, तो 2 सेल्स अकाउंट सेल की थी 45,000 की, और इसका 6%, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 आउटपुट CGST 6% निकालते 6,000 × 6,000 = 3,600 × 2,400 = 2,700। 2 आउटपुट SGST अकाउंट 2,700। फिर क्या कहता है पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट, 10 तारीख को यशपाल एंड सन्स को पे किया, यशपाल एंड सन्स 6,000। जब पे करते हैं तो पेमेंट क्रेडिट साइड होती है, आप कर चुके हैं अब तक, तीसरा क्वेश्चन नहीं है आपका जो मैं करवा रहा हूं, वैसे टोटल 4 है ये जो आपने किया है। रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, 14 डेट को राहुल ब्रदर्स से रिसीव किया, 2 राहुल ब्रदर्स अमाउंट है 9,800। अब डिस्काउंट वाली एंट्री का आप जानते हो जनरल में आपने एंट्री करनी है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउ किया तो लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200, 2 राहुल ब्रदर्स कितना हो गया 200। जनरल में अलग से आप क्या कर देंगे इसकी एंट्री कर देंगे। उसके बाद 16 डेट को क्या है लोन रिपेड, हमने 7,000 रुपए का लोन लिया था उसकी पेमेंट की है, तो बाय लोन अकाउंट 7,000। पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 22 को बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 500। रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव 23 को 2 दिनेश यादव 6,850, 150 रुपए क्या हुआ हमने डिस्काउंट क्या किया है उससे हमने रिसीव किया है तो डिस्काउंट दिया,
तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश 150 150, ठीक है, जनरल में एंट्री होगी। 25 को पेमेंट किए यशपाल एंड सन्स को बाय यशपाल एंड सन्स 13,750 और उससे हमें डिस्काउंट मिला, ये फायदा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, यशपाल एंड सन्स 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 250, जनरल में एंट्री होगी उसके लिए। 28 तारीख को रेंट पेड बाय रेंट पे किया 10,000 6% CGST बाय इनपुट CGST 600 बाय इनपुट SGST 600 पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,7600 पे किया है। तो 28 को बाय मनोज जनरल स्टोर इसका 8,000 दिया था, देना था हमने 7600 दे दिया और 400 रुपए का फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट रिसीव किया। तो इसकी जनरल में एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, मनोज डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, जनरल में एंट्री करेंगे। अब क्या करें, दोनों साइड की टोटलिंग और बैलेंसिंग करनी है, ठीक है, दोनों साइड की क्या करेंगे, टोटलिंग और बैलेंसिंग टोटल करते हैं 1,07,050 आ जाएगा टोटल 1,07,050, ठीक है, 1,07,050 टोटल रिसीप्ट आई आपकी इतनी। अब इस साइड का टोटल करते हैं 30,000 + 1,800 + 1,800 33,600 + 6,39,600 + 7,46,600, ठीक है, और +547,100 + 13,750 और 23,000 टोटल हो गया 23,750 6,600 7,600, यानी कि टोटल पेमेंट साइड आपकी हो गई 79,650 टोटल पेमेंट साइड। दोनों साइड का बैलेंस आपने टोटल रखना है हमेशा 1,07,050 में से 79,650 घटाओगे तो अब बैलेंस आ जाएगा 27,400। ये क्या आ गया आपका बाय बैलेंस बिलिंग। तो यहां तक का हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का काम था, सिंगल कॉलम कैश बुक आज कंप्लीट हो गई। इसके बाद डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, कल की जो वीडियो होगी वो डबल कॉलम कैश बुक से ही होगी आपकी। तो इसको पहले आप कंप्लीट करें, इसके क्वेश्चंस हैं होमवर्क के लिए आपके लिए। फर्स्ट फाइव, पहले 5 क्वेश्चंस आपने पूरे करने हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें ताकि सुबह ही आपको वीडियो मिल जाए, और इसके अलावा वीडियो को आप शेयर भी करें, ठीक है, धन्यवाद।